पिछले दिनों शिवसेना द्वारा अंधेरी पश्चिम डीएन नगर पुलिस स्टेशन के सामने बने एक चौक का नामकरण किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के प्रयत्न से अब इस चौक को महाराणा प्रताप चौक के नाम से जाना जाएगा। चौक का उद्घाटन शिवसेना नेता अनिल परब के हाथों किया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ता और शिव सैनिक मौजूद थे। यहाँ पर महाराणा प्रताप चौक का नामकरण होने जा रहा है। ये अच्छी बात है कि मारवाड़ी युवा मंच ने कि उनकी प्रेरणा से आज इस चौक का नामकरण हुआ है। हमारे यहाँ के नगर सेवक संजय पवार, इन्होंने इस नामकरण का प्रस्ताव महानगर पालिका से पास करके लिया और इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। इस पीढ़ी में एक अच्छा काम जो करने जा रहे ये लोग कि अपने अगली पीढ़ी को ये सब जितने भी युग पुरुष थे इनके बारे में पता होना चाहिए, उनके बारे में मालूम होनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेके हम और कुछ अच्छा काम करें, इसलिए इस तरह के नामकरण के प्रस्ताव हमारे नगर सेवक पास कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि एक समाज के लिए अच्छा काम आज मेरे नगर सेवक ने किया है। गौरतलब हो कि महाराणा प्रताप चौक नामकरण के लिए प्रयासरत अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुनील खाबिया खुद भी एक शिवसैनिक हैं। इसी के चलते स्थानीय शिवसेना नगर सेवक व के पश्चिम प्रभाग समिति अध्यक्ष संजय पवार का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिलता रहा है। चौक उद्घाटन के मौके पर वहां उपस्थित संजय पवार का कहना था कि जिस तरह महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को जाना जाता है, उसी तरह राजस्थान में महाराणा प्रताप को, इसलिए हमने इस चौक को महाराणा प्रताप चौक नाम दिया है। और महाराणा प्रताप जी का नाम देने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में, वैसे राजस्थान में महाराणा प्रताप कि जिन्होंने 1572 साल में सिंहासन पे बैठने के बाद जो शूरता से, जो वीरता से और एक स्वाभिमान, जैसे शिवाजी महाराज स्वाभिमान थे वैसे महाराणा प्रताप भी स्वाभिमान थे और उन्होंने मुगलों का सामना किया। लेकिन जो यहाँ पे जो महाराष्ट्र में आज जो संस्कृति दिख रही है, जो हिंदू संस्कृति दिख रही है, वो शिवाजी महाराज की वजह से और राजस्थान में दिख रही है महाराणा प्रताप जी की वजह से। और यहाँ पे नामकरण देने के टाइम पे कैसे कि मुंबई जो कॉस्मोपॉलिटन है तो यहाँ पे भी राजस्थान के लोग हैं, तो उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया था। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष सुनील खाबिया, इन्होंने मुझे इसका प्रस्ताव दिया था, तो यहाँ पे हमने महाराणा प्रताप जी का नाम दिया है। कार्यक्रम के आयोजक सुनील खाबिया ने बताया कि उनकी वर्षों पुरानी कोशिश थी कि मुंबई में महाराजा महाराणा प्रताप का स्मारक बने, किंतु बन न सका, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए हमने इस चौक का नाम महाराणा प्रताप चौक रखा है। तो हमारी मांग थी जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने एक GRV निकाला था कि महाराणा प्रताप का स्टैचू मंत्रालय के सामने लगेगा, लेकिन उसके बाद हमने बोला उनको, लेकिन स्टैचू लगाने का अभी कुछ GR में हुआ है कि स्टैचू लगा नहीं सकते, इसलिए हमने अंधेरी स्थित में हमारे दोस्त मित्र श्री संजय जी पवार ये शिवसेना के नगर सेवक है, इनको हमने फॉलोअप किया और पूरे शाखाओं की मांग थी सब युवाओं की कि महाराणा प्रताप चौक हमको चाहिए। तो आज अंधेरी स्थित DN नगर पुलिस स्टेशन के सामने मेट्रो स्टेशन के समीप ये आज समारोह होने जा रहा है और जिनके उद्घाटन के स्तर पर हमारे विभाग प्रमुख शिवसेना के और MLA एम आमदार श्री अनिल जी परब ये उपस्थित है अभी और उनके हाथ से अभी उद्घाटन होने जा रहा है। चौक उद्घाटन के इस अवसर पर कार्यक्रम में आए शिवसैनिकों व अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी खुशी खुलकर व्यक्त की। हमारे लिए तो बड़ा गर्व का विषय है कि महाराष्ट्र की इस धरती के ऊपर जो वीरों की धरती है, उस वीरों की धरती पर महाराणा प्रताप का चौक का निर्माण हो रहा है। मारवाड़ी समाज पहले से सामाजिक काम करते ही आया है। हमारे लिए ये खुशी की बात थी कि जो शिवाजी महाराज की नगरी है उसमें शाखा क्रमांक के साथ हमारे जो संजय भाई पवार है उन्होंने हमको ये परमिशन दी। शिवसेना में बड़ी तादाद से मुस्लिम, गुजराती, मारवाड़ी है, हर एक जात धर्म के लोग बड़ी तादाद से कार्यकर्ता है, लोगों की जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए ये नाम रखे गए। बहुत अच्छा है सुनील जी के प्रयासों से और महाराष्ट्र मारवाड़ी युवा मंच के प्रयासों से, और ये जो चौक का उद्घाटन हो रहा है वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की बढ़ती लोकप्रियता और राजनीतिक धरातल पर शिवसेना को अपने सामाजिक कार्यों से मजबूती प्रदान करने वाले सुनील खाबिया की यह कोशिश राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में देखना है कि आने वाले मनपा चुनाव में राजस्थानी समाज का यह झुकाव शिवसेना के लिए कितना कारगर साबित होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खिया न्यूज, मुंबई।